नमस्कार दोस्तों, स्नेक्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में पाया जाने वाला कॉमन ब्रॉन्सबैक ट्री स्नेक के बारे में, एंड्रालापिस ट्रिस्ट्रिस। तो दोस्तों ये सब भारत में पाया जाने वाला एक विषहीन सांप है, नॉन वेनमस सांप है। ये लंबे और पतले होते हैं और इनका मुंह पॉइंटेड होता है और इनके डोर्सल स्केल पे तांबे कलर की ब्रॉन्ज कलर की पूरी लाइन जाती है जो सर से लेके पूंछ तक होती है। इसलिए इसका नाम ब्रॉन्सबैक भी पड़ा है क्योंकि इसकी जो पीठ है वो ब्राउन कलर की है, ब्रॉन्ज कलर की है, तांबे कलर की। दोस्तों ये बिल्कुल ही हार्मलेस स्नेक है, ये किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचाता है। आमतौर पे ये पेड़ों पे ही मिलता है और कैमोफ्लेज रहता है, मतलब आप नहीं देख सकते क्योंकि ये ब्राउन कलर का है, पत्तियों के बीच में वो तो वो डाली जैसा दिखता है, तो इसको पहचाना मुश्किल है। आपके यहाँ पे ब्रॉन्सबैक ट्री स्नेक है वो एक नजर में तो नहीं पता चलेगा, ये छुपे रहते हैं और ये जमीन पे भी रहते हैं और एर्बोरियल है तो जमीन पे पेड़ पे, लेकिन ये पेड़ों पे रहना बहुत पसंद करते हैं और ये पेड़ों पे ही पाए जाते हैं। इनके स्वभाव की बात करें तो ये बहुत ही क्विक सांप है, बहुत ही एक्टिव सांप होते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते रहते हैं। पास पास होते हैं वो पेड़ पे, बहुत दूर तक छलांग नहीं लगा सकते, लेकिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये आराम से चले जाते हैं। इनको खतरा महसूस होने पे अपनी गर्दन फुला लेते हैं और ब्लू कलर के जो उनके अंदर के स्केल्स होते हैं वो दिखाते हैं। वैसे तो बहुत ही ये नॉन ऑफेंसिव सांप है, ये हमला करने की कोशिश नहीं करते, बहुत ही नॉन ऑफेंसिव सांप है, लेकिन अगर आप इसको मिस हैंडल करते हो तो ये जरूर काटेगा। दोस्तों इनके हैबिटेट की बात करें फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में, मतलब जंगलों के बाहर और ह्यूमन हैबिटेट्स में भी ये पाया जाता है। जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं, जहाँ ज्यादा हरियाली होती है, वहाँ ये पाया जाता है ह्यूमंस के आसपास भी। इनकी लंबाई की बात करें तो एवरेज ये 100 सेंटीमीटर के पाए जाते हैं, 3 फीट के ऊपर ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन इनको 170 सेंटीमीटर तक पाया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, ये 170 सेंटीमीटर तक हो सकते हैं। इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये ओविपरस प्रजाति का सांप है, तो ओविपरस मतलब अंडे देने वाला, तो ये अंडे देते हैं और ये सितंबर से लेके फरवरी के बीच में अंडे देते हैं। एक बार में ये 6 से 8 अंडे देते हैं और नए जन्मे बच्चों की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इनके खुराक की बात करें आमतौर पे ये चिड़िया के चूजे, छिपकली और कभी कभी मेंढक भी खा लेता है, लेकिन ये सारे छोटे छोटे जीव आराम से खा लेता है और पेड़ पे ये बड़ी आसानी से शिकार भी कर लेता है। इनके जियो लोकेशन की बात करें तो ये पूरे भारत भर में पाया जाता है, लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये नहीं पाया जाता, सिक्किम के बाद ये पाया नहीं जाता, नॉर्थ ईस्टर्न ठंडे प्रदेशों में ये नहीं पाया जाता, बाकी पूरे भारत भर में पाया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और किसी भी सांप की जानकारी के लिए हमें कमेंट करें। दोस्तों इस वीडियो से आपका किसी भी तरह का आइडेंटिफिकेशन क्लियर नहीं होगा, कृपया इस वीडियो को देख के सांप ना पकड़े, अपनी जान की परवाह खुद करें। धन्यवाद।